हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों टाटा पंच एक कम्प्लेक्स डीजल पैक के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इस गाड़ी के अंदर अपने को क्या क्या फीचर मिल जाता है, क्या क्या कुछ खास देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग फ्रंट प्रोफाइल से इस गाड़ी की रिव्यू स्टार्ट करें। तो हम लोग फ्रंट प्रोफाइल से दोस्तों अपने को बॉक्सी डिज़ाइन में ये गाड़ी फ्रंट इसका दिखता है, जो कि काफ़ी अच्छा बॉक्सी डिजाइन में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर दिखता है टाटा का लोगो, और दोस्तों उसी के अगल बगल में अपने को पियानो ब्लैक में कुछ फिनिशिंग देखने को मिलता है। ट्राइयरों में दोस्तों यहाँ पर कट है, जो कि इसके अंदर में हॉर्न लगा हुआ है दोस्तों। उसी के साथ एक इंडिकेटर से दूसरा इंडिकेटर तक क्रोम के साथ कुछ डिजाइन देखने को मिल जाता है आपको। और दोस्तों इसमें आपको मिलता है DRL, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है, और उसी के साथ अपने को साइड इंडिकेटर देखने को मिलता है दोस्तों। उसके नीचे हम लोग आए तो यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाता है हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ, जो कि कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल रहा है। उसके नीचे दोस्तों आपको मिल जाता है फॉग लैम्प, जो कि वो भी हैलोजन के साथ आता है दोस्तों। कुछ इस प्रकार का सामने का लुक अपने को देखने को मिलता है। और बम्पर की मैं बात करूँ तो दोस्तों मैट फिनिश में आपको बम्पर देखने को मिलता है, उसमें ट्राई एंगल में कुछ एरो बने हुए हैं, जो कि काफ़ी ही अट्रैक्टिव नज़र आता है, कुछ इस प्रकार का देख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों इंजन में हवा पास करने के लिए कुछ गैप भी है, जो कि काफ़ी अच्छा टाटा ने बनाया है दोस्तों। यहां पर आपको मिल जाता है ट्विन का ऑप्शन, जो कि हर टाटा की गाड़ियों में सामने में मिलता है दोस्तों। इस गाड़ी की डायमेंशन एंड कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो 2827 mm इसका लेंथ है दोस्तों इसमें आपको 1742 mm विड्थ मिल जाता है, काफ़ी अच्छा विड्थ है इसका। और इस गाड़ी की हाइट के बारे में बात करूं तो आपको 1615 mm हाइट मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छा व्हील बेस देखने को मिल जाता है, जो कि 2445 mm इसका व्हील बेस मिलता है एक टायर से दूसरा टायर का। आपको इस गाड़ी में फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और उसी के पीछे में देखेंगे तो दोस्तों आप लोगों को इसमें नॉन डिस्क मिलता है, फ्रंट में ही आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। इस गाड़ी की टायर प्रोफाइल की मैं बात करूं तो टायर प्रोफाइल अपने को मिलता है 195/60R16 का टायर प्रोफाइल मिल जाता है, जो कि 15 इंच का अलॉय अपने को देखने को मिलता है, जो कि डायमंड कट्स में अलॉय है दोस्तों। और यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिलता है, और 4 नट देखने को मिलता है, जो कि इसका डिजाइन है काफ़ी अच्छा ब्लैक के साथ और सिल्वर के साथ आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं इस गाड़ी के रियर में अपने को क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर मिल जाता है ऊपर में एंटीना, जो कि कुछ इस प्रकार का है। और दोस्तों इसमें अपने को वाइपर डिफोगर नहीं देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पर वोकल फॉर लोकल के स्टिकर, और यहाँ पर रैनो का साइन, और यहाँ पर आपको मिल जाता है टाटा का लोगो। उसी के नीचे मिलता है आपको कैमरा, रिवर्स कैमरा, और उसके नीचे मिल जाता है आपको पंच लिखा हुआ काफ़ी मस्त में। और यहाँ पर आप लोगों को नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिलता है, रियर बम्पर जो कि ब्लैक के साथ आता है ट्राई एरो एंगल के साथ। यहाँ पर रिवर्स सेंसर देखने को मिल जाता है, कुछ इस प्रकार का रियर का व्यू। इसमें आपको एरो डिजाइन में टेल लाइट देखने को मिलता है, जो कि LED के साथ आती है, और ये साइड इंडिकेटर हैलोजन के साथ आती है, कुछ इस प्रकार का इसका डिज़ाइन देखने को मिल जाता है अपने को। इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की भी मैं बात करूं तो आपको मिल जाता है 37 लीटर का पेट्रोल टैंकी, जो कि यहाँ से ओपन कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए इस गाड़ी के बूट स्पेस जानते हैं, कितना लीटर का अपने को बूट स्पेस मिल जाता है, यहाँ से अपन ओपन कर लेते हैं। इसमें आप लोगों को 366 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, जिस प्रकार का है। यहाँ पर पार्सल ट्रे वगैरह मिल जाता है, और इसके नीचे में यहाँ पर पंचर किट देखने को मिलता है, और इसके नीचे में अपने को मिल जाता है स्टेपनी टायर, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसके इंटीरियर में चलते हैं, और इंटीरियर में अपने को क्या क्या मिलता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग डोर ओपन कर लेते हैं, और
एक चीज़ खास बात दोस्तों, ये टाटा के हर गाड़ियों में आजकल मिल रहा है, जो कि डोर 90 डिग्री में ओपन हो जाता है, ताकि बुजुर्ग हो, लेडीज़ हो, कोई भी आदमी अंदर जाए तो आराम के साथ बैठ सके, कुछ इस प्रकार का। तो अपने को डोर मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर डुअल टोन में, जो कि यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है पियानो ब्लैक के साथ। हैंडल बार कुछ इस प्रकार का आपको कंट्रोल से मिल जाता है, पावर विंडो और वेम एडजस्टेबल का, जो कि देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का। यहाँ पर आपको मिल जाता है अम्ब्रेला होल्डर, और यहाँ पर बॉटल होल्डर, और यहाँ पर स्पीकर्स, यहाँ पर ट्विटर्स। चलिए दोस्तों इस गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं। साथियों अभी इसमें मिल जाता है आपको कुछ इस प्रकार का सीट्स, जो कि काफ़ी अच्छा दिखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मिलता है एडजस्ट करने का ऑप्शन, और यहाँ पर आपको मिल जाता है पावर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, और यहाँ पर मिल जाता है चाइल्ड लॉक, इको मोड, फॉग लैम्प का ऑप्शन। और दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है आपको कुछ स्पेस, जो कि काफ़ी अच्छा मोबाइल वोबाइल रख सकते हैं। यहाँ से आपको बूट खोल सकते हैं। दोस्तों स्टीयरिंग व्हील्स की मैं बात करूँ तो आपको इसमें पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, जो कि टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, जो कि कुछ इस प्रकार के आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपको मिल जाता है यहाँ पर सिल्वर कलर में कुछ डिजाइंस, और इधर वॉल्यूम अप डाउन का, ब्लूटूथ फंक्शन का बटन, और इस तरफ आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल वगैरह का। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका स्टीयरिंग मिल जाता है। आपको यहाँ पर एसी का कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जो कि ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल नहीं है। और इसके नीचे में आपको 5 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। कुछ स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, और उसके साथ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आपको गियर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फिर 5 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, हैंड ब्रेक है ये, और कुछ स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। चलिए इस गाड़ी के इंजन के बारे में जानते हैं, और आप लोगों को इंजन के पास लेके चलते हैं, क्या कुछ खास है इंजन में देखते हैं। तो हम लोग बोट ओपन कर लिए हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंजन, जो कि इंजन स्टार्ट तो अभी वाइब्रेट हो रहा है। तो ये टाटा पंच का 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रियोट्रॉन इंजन आपको देखने को मिलेगा। इसकी पावर की बात करें तो दोस्तों पहले से पावर कुछ बढ़ गया है, लगभग 86 bhp की पावर जनरेट करती है, उसी के साथ 115 Nm टॉर्क जनरेट करती है। और इस गाड़ी की माइलेज की मैं बात करूं तो इसमें आपको 19 से 20 की माइलेज मिल जाएगी। तो दोस्तों देखा आपने यह टाटा पंच एक कम्प्लेक्स डीजल पैक में कितने प्रकार के फीचर अपने को मिल जाता है, क्या इंजन कैसा है उसको सबको आपने देखा। दोस्तों अब प्राइस की मैं बात करूं तो एक्स शोरूम प्राइस 8,60,000 की मिलती है, और वहीं ऑन रोड प्राइस की मैं बात करूं तो 9,25,000 की ऑन रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ऐसे नए नए वीडियो में लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो फिर एक नए वीडियो एक नए दिन के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए जय हिंद।